आज हम लोग वाई के क्लास पर रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो देखो, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और देखो, अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 लिखकर 4 सुनना होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कितना कहेंगे, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10,000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के बाद कहेगा 4 अंकों की 4 9 लिख लेंगे तो कह देंगे 9,999। क्या बोलेंगे, 9,999। इन्हीं का अंतर पूछा है, अंतर कितना है भाई, 1। कितना का अंतर है, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कहेगा तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने बाद प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे, किसके द्वारा, ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे। ठीक, ऑप्शन दो, पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन 37 है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 84 है, तीसरा ऑप्शन कितना है भाई, 73 है, चौथा ऑप्शन कितना है, 62 है। ठीक, 62 है। तो पहला ऑप्शन देखो, अगर हम इनके अंक को बोलाते हैं, इनको अंक पलट देंगे तो कितना होगा, 73। इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 7 3 10 11 कितना हो गया, 11 आ रहा है। हमने बोला है कि इनके अंकों को लौट देने पर कितना होना चाहिए, अंकों को लौट देने पर कितना होना चाहिए, 132 होना चाहिए। अगर यह भी देख ले, अगर ये 84 है और प्लस इसका अंक उलट दिया तो कितना हो गया, 48 हो गया। इनका योग जो करेंगे तो अगर कितना, 8 4 12 और 4 12 13, मतलब 132। यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। कितना, 84 है, 84। देखो 84 ऑप्शन क्या है मेरा, जो 84 जो संख्या है, जो 84 है, 84 संख्या, हम संख्या के अंक को उलट दिए, उलट दिए फिर जोड़ दे रहा है तो 132 आ रहा, 132 आ रहा है ना। देखो 84 है, 84 इसके अंकों को उलट दिया तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 132। यही पूछा है, यदि किसी संख्या के अंकों को उलट दे, आपस में उलट दे तो इसका जो योगफल हो, संख्या का जो योगफल हो, मतलब उलट देने के बाद जो संख्या का योगफल हो वो 132 हो, 132 हो। देखो हमने चेक कर लिया, 132 है, आगे भी चेक कर ले तो क्या हुआ, 73 + 37 जोड़ेंगे कितना होगा, 73 + 37 110 ही होगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 62 + 26 जोड़ेंगे कितना हुआ, तो 8 हो जाएगा, 88 हो रहा। तो कौन सी किस संख्या के अंक को उलट देने पर 132 हो रहा है, योग किस संख्या के अंक को उलट देने पर 132 हो रहा है, तो हम कहेंगे 84। 84 संख्या को उलट देने पर 132 हो रहा है, अगर इसके अंक को उलट देंगे रहे तो 132 हो रहा है। यही आपका ऑप्शन सही होगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, और इनका अंतर भी करने पर देखो 4 आ रहा, 84 का अंतर करने पर मतलब 84 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच रहा है, 84 में से 4 घटा रहे हैं तभी अंतर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक, यही हमसे पूछा कि इनके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, इनके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए और संख्या के अंक उलट देने पर जो बनी संख्या का योग, जो दी हुई संख्या और जो बनी संख्या का योग क्या है, 132 होना चाहिए। तो हमने देखो इसका अंक उलट दिया और 84 तक का अंक उलट दिया तो 48 हो गया, इनका योग किया तो 132 हुआ। आपका आंसर क्या होगा, 84। ठीक, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कहा था, 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। 12 के प्रथम 20 गुणांकों का मतलब 12 का प्रथम 20 गुणांक क्या करेंगे, 12 क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 ऐसे ही कहां तक गया है, 20 गुणज। ठीक, 20 गुणज। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 12 प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ दो, प्रथम पद प्लस लास्ट पद को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। अब पदों की संख्या निकाल लो, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या कितनी है भाई, तो 20 पद है। कितने पद है भाई, 20 पद है, 1 से लेकर 20 तक, तो 20 पदों की संख्या कितनी हुई, 20 है, तो यह काट दोगे या 10 हो जाएगा, तो 12 × 21 गुणा हो जाएगी 210। कितना हुआ, 210, 210 गुणा कर लो, 210 गुणा करोगे कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, फिर 12 + 12 बाद 24 = 25। ठीक, कितना हुआ, 2520।
2520। और पूछा है हमको 2520 औसत पूछा है, तो औसत निकाल दो, औसत 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 निकालो। 2520, 2520, 2520 बटे औसत कितना है, कितनी संख्या है, 20 है, पदों की संख्या कितनी है, 20 है, जीरो से जीरो काट देंगे, काट दो, तो एक हुआ, दो, छः, बताए आंसर कितना हुआ, 126, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर भाई, 126। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा, तो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा, जब 4/13 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4/13 को 3 से विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए, किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा है, शेषफल क्या होगा, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4/13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, 4/4, देखो 4/13 कितना कर देंगे, 3 से भाग देंगे, 4/13 3 से भाग देंगे, तो देखो एक चीज पहले समझ लो, मेरी बात समझो, अगर हम कह देंगे कि 7/6 है, 7/6 है और इसमें हम 6 से भाग दे रहे हैं, 7/6 में 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना होगा। तो यह ध्यान दो कि अगर हम कह देंगे कि 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 तो 2 × 4 = 6, 6 है ना, 6 और भाग देंगे कितना से, 6 से भाग देंगे, तो ये बताओ अगर हमने 6 से 7 में भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1। इनका अंतर भी देख लोगे तो 1 है, ठीक, ऐसे ही इसमें भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1, इनका भी अंतर इसमें भाग दिया तो 1, ऐसे ही 1 1 ऐसे ही 1 आया, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, 1/6 होगा। तो हम कभी भी 7/6 में अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई, 1 आएगा, तो 1 आएगा क्योंकि अंतर 1 है, एक है, आधार और भाजक का अंतर कितना है, 1 है, 1 है, तो हमके 1 है तो शेषफल भी 1 ही आएगा, शेषफल भी 1 ही आएगा, घात कितनों भी हो शेषफल कितना होगा, 1 ही आएगा, ठीक, 1 ही आएगा। 13 है, 4/13 अगर 3 से भाग रहे हैं तो अंतर कितना हो रहा है, अंतर कितना है, 1 का, तो 1/13 अगर हम 13 कर देंगे, 1/13 13 करेंगे तो 13 हो जाए, 1/13 13 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, हमारा शेषफल कितना होगा, 1, तो 1 शेषफल कितना हुआ भाई, 1, रिमाइंडर कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं कि 4/13 से अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा, ठीक, 1 होगा। हमने एग्जाम्पल भी बता दिया है, इस तरह रहेगा तब भी, अगर जैसे तो अलग अलग तोड़ के करोगे तब शेषफल इतने आएगा, ऐसे हम 4 को ऐसे ही लिख कर 13 बार करें उसमें 3 से भाग देंगे तब हमारे शेषफल 1 ही आएगा, ठीक, लेकिन हम लगाएंगे ऐसे नहीं, या जान लो आधार का मतलब, देखो देखो आधार कितना है, 4 है और 4 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका अंतर कितना है, 1 है, अंतर कितना है, 1 है, तो घात कितना भी रहे, 1 के घाते कितना भी रहे, उसका उसका जो शेषफल होगा 1 ही होगा, उसका शेषफल जो होगा 1 ही होगा, ठीक, 1 के घाते कितना से। मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कह रहा है 1739 में क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की बात क्या है, क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, ठीक, 11 से विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो 1739 में हम भाग देंगे कितना से भाई, 11 से भाग दे लें, 11 से भाग दे लें तो 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 6 × 3 = 11 × 5 = 55 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, फिर 9 × 8 = 11 88, ठीक, कितना हुआ, 1, देखो और 11 और शेष कितना, 1, इसका अंतर कितना होगा, 10, अगर 10 इसमें दे दिया जाएगा, इसको इसमें 10 जोड़ दिया जाए, दे दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो हम कहेंगे कितना जोड़ने पर, तो 10 जोड़ने पर आंसर क्या होगा, 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 जोड़, 15 15 15 और 85 के बीच, क्या बोला है, 15 और 85 के बीच बीच कितने प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाजित है, कितने प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या है
जो सात से विभाजित रहे, सात से विभाजित रहे। कह रहा 15 और 85 के बीच कितने प्राकृतिक संख्या है जो सात से विभाजित रहे। सात से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, 21 हो गई, पहला 21 हो गया, फिर क्या होगा 28 होगा, फिर क्या होगा 35 होगा, फिर क्या होगा 42 होगा, फिर कितना होगा 49 होगा, फिर कितना होगा 56 होगा, फिर कितना होगा 63 होगा, 63 हो गया, फिर कितना हुआ भाई 70 हो गया, फिर कितना होगा 77 हो गया, फिर कितना हुआ 77 के बाद 84 हो गया। कितनी संख्या है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा आंसर क्या होगा 10। कितना आंसर हुआ भाई 10, 10 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा 10 हमारा आंसर। तो हम कहेंगे 15 और 85 के बीच प्राकृतिक संख्या कितने हैं, तो कितने प्राकृतिक संख्या जो है तो सात से विभाजित होगी, तो 10 प्राकृतिक संख्या जो होगी वो सात से विभाजित होगी, इसके 15 और 85 के बीच में, ठीक। 713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पी का मान ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पी का मान ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि देखो पी जो है 713 जो कि क्या कह रहा है 11 से विभाजित करने पर पी का मान ज्ञात कीजिए, 11 से विभाजित करने पर देखो 11 के विभाजित करने का रूल होता है, 11 का विभाजित करने का रूल होता है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, मतलब सम संख्या के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग। एक गिन लो 1 2 3 4, ठीक, चार है तो सम संख्या कितना है, सम संख्या कितना भैया, सम संख्या 7 हुआ प्लस 3 हुआ माइनस विषम संख्याओं का अंतर, तो पी प्लस वन हो जाए, बराबर क्या होना चाहिए 0 या 11 का गुणज हो, ठीक, हल कर लो, 7 3 10 हो जाएगा माइनस पी माइनस वन बराबर 0, ठीक, 9 हो जाएगा माइनस पी बराबर कितना हुआ 0, तो पी बराबर कितना हुआ 9, आपका आंसर कितना हुआ 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो यह क्वेश्चन का ध्यान दो, फिर यह क्वेश्चन क्या करा, एक्स और वाई दो सम संख्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को याद कीजिए। देखो यह कह रहा है एक्स और वाई दो सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक, सम संख्या है, ऑप्शन में बोल रहा है एक्स प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है एक्स माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस वन, और चौथा ऑप्शन है एक्स इंटू वाई, ठीक। अगर एक्स बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं और वाई बराबर क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक, एक्स बराबर 4 रख रहे हैं, वाई बराबर 2 रख रहे हैं, अगर इसमें रखें पहले वाले ऑप्शन में रखें, देखो तो 4 + 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, जो कि सम संख्या दे रहा है, विषम संख्या की बात पूछा है, अगर 4 - 2 रख रहा है तब भी 2 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, और 4 + 2 + 1 रख रहे हैं तो किसमें तीसरे में रख रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 × 7 = 7, और 4 × 2 रख रहे हैं तो 8, तो बताओ विषम संख्या कौन दिया, तो हम क्या कहेंगे विषम संख्या हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया है, देखो 4 + 2 + 1 जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा तीसरा, ठीक। अच्छा मेरा कह रहा है वाई का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 267 y2 तीन से पूर्णतः विभाजित हो, तो देखो यह कह रहा है 267 जो है 267 y2 तीन से विभाजित हो, y का मान रखिए, y के क्या मान होता है, y का वह न्यूनतम मान बताइए जो तीन से विभाजित हो, यह संख्या जो तीन से विभाजित हो, तो y का ऐसा मान रखना है जो तीन से विभाजित हो, और न्यूनतम मान रखना है, तो याद रखना तीन से वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योगफल तीन से कट जाए, इनके अंकों का योगफल तीन से कट जाए, तो इनके अंकों को जोड़ दो, देखो जोड़ोगे ऐसे काट दो, तो काट देंगे 3 × 6 हो जाएगा, 7 × 2 = 9, यह भी कट गया, इन यह 2 में 3 एक का अंतर है, एक का अंतर, अगर एक इसका मतलब y बराबर क्या होगा 1, अगर एक हो जाएगा 3 से कट जाता है, तो हम क्या y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का न्यूनतम मान कितना है 1 है, मान कितना है 1 है, हमारा ऑप्शन कितना होगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, y का न्यूनतम मान कितना है भाई 1 है, ठीक, ऑप्शन कौन सा है 1, इस तरह भी नहीं इसको अलग कर सकते हो, ऐसे कर दो, इनके अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या जरूर कटेगी, देखो
क्या हुआ, 3 दुना 6 या 3 से कट गया, 7 दू 9 कट गया। और अगर दो दो 3 से नहीं कटेगा, एक इसके पास रख देंगे, 2 1 3, 2 1 3 होगा या कट गया, इसका मतलब y का न्यूनतम मान क्या होगा, 1 होगा। y का न्यूनतम मान कितना रख दिया, 1 रख दिया, इससे छोटा कोई मान नहीं होगा जो कि 3 से काट दे। अगर 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रख रहे हैं तो कट जा रहा है। अगर वही चीज 4 रखेंगे तब तो न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा मान 1 होगा, जो 1 रखने पर क्या होगा, यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि 234A 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। जो सबसे छोटी है प्राकृतिक संख्या है जो ए का मान ज्ञात करना है, तो कह रहा है 234A 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, क्या कह रहा है, 9 से विभाजित हो ना, 234A जो है 9 से विभाजित हो। 9 का रूल जो देखो, 9 का जो रूल होता है वो रूल 3 का होता है, 9 का रूल भी यही होता है। तो इनके अंकों का अगर योग 9 से कट रहा है तो संख्या जरूर कटेगी। ठीक, तो इनके अंकों को जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 हो जाए, 4 3 7 7 2 9 कट गया, मतलब कट गया तो कट गया या कट गया, 0 बच गया। आप बताओ ए का मान क्या रहे, वो ए का न्यूनतम मान हो, ए का सबसे छोटा मान, ए का सबसे छोटा मान कौन होगा, 9 ही होगा। अगर 9 होगा तो हम क्या कहेंगे, 9। ठीक, हमारा ऑप्शन कितना होगा, 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक जगह पर क्या मान होगा, 9। तो एक तो क्वेश्चन क्या कहा था, एक प्राकृतिक संख्या था जो यन यन को 5 से विभाजित किया जाता था। देखो एक प्राकृतिक संख्या है जो यन को 5 से विभाजित कर रहा है, 5 से भाग दे रहा है, 5 से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, बोल रहा है भाग दे रहा है, 5 से भाग दे रहा है, भाग दिया जाता है तो शेष 4 बचता है। कहा शेष क्या है, 4 बचता है, 4 बचता है। जब 2n को, देखो इसी को 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर क्या होते हैं, 2n को 5 से विभाजित किया जाता है, x को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष पर कितना है, 4 बचता है। अगर 2n को 5 से भाग दिया जाए तो शेष पर क्या बचेगा, तो हम क्या करें, 4 का 2 गुना कर देंगे, 4 का 2 गुना कितना होगा, 8, 8 होगा। अगर 8 में हम 5 से भाग दे दें तो हमारा जो शेष फल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 1 बार गया 5 हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3, शेष फल कितना भाई, 3 3, यही आपका आंसर है। ठीक, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा कहेगा कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल होता है, अगर 2n को 5 से भाग दिया जाए तो कितना होगा शेषफल, तो हम क्या करेंगे, शेषफल जो बचा होगा शेषफल उसी को अगर दुगना कर रहा है, 2n कर रहा है, दुगना कर रहा है तो उसका दुगना कर देंगे, इसका स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर कर देंगे और स्क्वायर करके जिससे भाग देगा वो जो शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 732 यक्स और वाई, 732 यक्स और वाई 70 से क्या है, 70 से विभाजित है, 70 से विभाजित वही संख्या होगी जो 7 और 10 से विभाजित होगी, और 10 से वही संख्या विभाजित होती है जो 5 और 2 से विभाजित थी, 5 और 2 से विभाजित होगी। तो यह बताओ 5 और 10 2 से विभाजित, जिसका इकाई अंक अगर 0 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा वो संख्या 5 और 2 से जरूर विभाजित होती है, ये बोले हैं जिसका इकाई अंक 0 होगा वो संख्या क्या होगा, 5 और 2 से जरूर विभाजित होगी। तो इकाई अंक 0 हो गया तो वो संख्या 5 और 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या क्या बनी, 7 और 2, 7 और 2 यक्स इंटू 0 बन गया, वाई की जगह 0 रख दी। अब बताओ अब हमको रखना है 7 से विभाजित होना, 7 से विभाजित वही संख्या होती है, देखो 7 से विभाजित वही संख्या होती है जिसका इकाई को दुगना कर दिया जाए, इकाई अंक को दुगना कर दिया जाए और दुगना करके इकाई अंक छोड़ दिया जाए तो बनी जो बनी संख्या जो दुगना हुई संख्या 6 बन, मतलब इकाई अंक को दुगना कर दिया जाए, जो बनी संख्या और इकाई अंक को छोड़ दी गई संख्या में से घटा देंगे तो वही हमारी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। ठीक, 7 से विभाजित होगी, वही संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो अगर हम देख लें यक्ष ऑप्शन तो देख लें, तो यक्ष बराबर वाई, यक्ष के जगह पर हम 2 रख दें, यक्ष के जगह 2 रख दें तो देखो तो 2 रखते रहे, यक्ष के जगह 2 रख देंगे, इतना हो गया, इतना हो गया। अगर हम क्या कहें इकाई अंक के 7 से विभाजित वही होगी जिसका इकाई अंक को दुगना कर देंगे, इकाई अंक को दुगना करेंगे तो 0 हो जाएगा और इकाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे,
इकाई अंक को छोड़ देंगे, और इकाई अंक को छोड़ देने के बाद जो बनी हुई संख्या है उसमें से जीरो घटा देंगे तो क्या बने, कोई अंतर नहीं होगा, इतने आएगा। अगर यह संख्या सात से विभाजित हो रही है, यह संख्या सात से विभाजित हो रही है तो यह संख्या क्या होगी, पूरी संख्या सात से विभाजित होगी। देखो सात से भाग दे लो, सात से भाग दे लो, ठीक भाग दो, एक बार जाएगा फिर सात हो जाएगा, या कितना तीन, या जीरो हो जाएगा, फिर दो सात चौ अट्ठाईस, अट्ठाईस हो गया, कितना बचा भाई चार, सात छः के बयालीस, देखो बयालीस कट गया, तो इसका मतलब कट रहा है तो संख्या क्या होगी, सात से कटेगी। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन मेरा दो, ठीक ऑप्शन क्या हुआ भाई दो हुआ। यह पूछा है, ऑप्शन हमारा दो नहीं हुआ, ऑप्शन मेरा ये नहीं है, हमसे यह पूछा है कि बताइए कि संख्या क्या है, तो यह रख दो यक्स माइनस वाई पूछा है, तो यक्स माइनस वाई, यक्स का मान कितना है दो है, और वाई का मान जीरो, बराबर कितना होगा दो, यही आपका आंसर होगा, ठीक ऑप्शन मेरा क्या होगा दो, ठीक। यक्स माइनस वाई पूछा है भाई, इसका अंतर छः का इनका का गुणन गुणनफल, जो गुणनफल अट्ठाईस से विभाजित है, अट्ठाईस से विभाजित है, अट्ठाईस से पूर्णतः विभाजित हो तो हैच का मान ज्ञात कीजिए, हैच का मान ज्ञात कीजिए। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यह इनका जो गुणनफल, इनका जो गुणनफल वन और हैच बटे तो अट्ठाईस से विभाजित है, अट्ठाईस से विभाजित का मतलब हुआ कर दो हैच, अच्छा हम क्या करेंगे तो सात गुणते चार कर देंगे, सात गुणते चार, सात गुणते चार, तो ये बताओ सात से यह काट देंगे, यह कट रही है संख्या तो काट दो, काट दिए कितना होगा देखो, काट दो सात दूनी चौदह, बचा क्या तीन, तीन हुआ सात चौ अट्ठाईस, और सात्रिक इक्कीस, सात्रिक इक्कीस हो जाएगा, तो गुणते वन और हैच और छः बटे क्या होगा चार। अब देखो देखो हैच का मान क्या, हैच का मान पूछा, अगर हैच का मान हम एक रख दें, चार का रूल क्या होता है, जिसका इकाई अंक इकाई चार, चार वही संख्या से विभाजित होती है, चार वही की संख्या से विभाजित होती है जिसका दहाई और इकाई अंक चार से विभाजित हो, दहाई और इकाई अंक चार से विभाजित हो, अगर हम यहाँ पर एक रख दें, हज की जगह पर एक रख दें, 116 देखो इकाई जो इकाई और दहाई का अंक जो बनी है, इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वो चार से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या जरूर चार से विभाजित होगी, तो हज बराबर क्या रखेंगे एक रखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा एक, ठीक। यहाँ पर अगर हम एक रख दें तो 116 हो रहा है, 116 जो चार से कट रही है संख्या जरूर चार से कटेगी, और हैच का मान पूछा। अगला देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी थे, क्या पूछा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी थे जिसमें जिसमें से 3/10 भाग लड़के विद्यालय में, जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं, और विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में स्टूडेंट कितने हैं भाई, स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो एक विद्यालय में, विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, मतलब स्टूडेंट कितने हैं 200 स्टूडेंट है, कितने हैं 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, और जिसमें से 3/10 भाग बॉय है, बॉय की संख्या कितनी है भाई, जिसमें से 3/10 भाग बॉय है, मतलब 200 का 3/10 3/10 भाग क्या है बॉय, काट दो कितना हुआ बॉय भाई 60, बॉय की संख्या कितनी है 60 है, बॉय की संख्या कितनी है 60 है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, गर्ल्स कितने रहेंगे तो 200 में से 60 घटा देंगे कितना रहा होगा 140, आंसर आपका कितना हुआ 140, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह देंगे गर्ल्स की संख्या कितनी हुई तो 200 में से 60 घटा दिए 140। गर्ल्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो 3 मिनट और 20 सेकेंड की कीमत रुपये में क्या होगा, 3 मिनट और 20 सेकेंड की कीमत रुपये में क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मिनट और 30 सेकेंड का बिल कितना है भाई 6 रुपये, ठीक है 6 रुपये है, इसको सेकेंड में बदल लें तो यह हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 × 120 हो जाएगा प्लस 30 बराबर इतना होगा, तो 150 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 सेकेंड बराबर 6 रुपये, ठीक। तो 1 सेकेंड भी निकाल लें, 1 सेकेंड बराबर 6/150 काट देंगे कितना होगा 1/25 हो जाएगा, 1/25 होगा। तो हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है 3 मिनट प्लस
20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 3 मिनट प्लस 20 सेकेंड, वो सेकेंड में बदल दो, तो 3 मिनट और प्लस 20 सेकेंड मतलब 36, 18, 180 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड बराबर 200 सेकेंड, कितना हुआ 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/5 है, तो 200 सेकेंड का क्या हो जाएगा, 200 सेकेंड का कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 1/25 रखते हैं, 200 हो जाएगा, 200 तो 25 सवा है, 200 हो गया, कितना 8 हुआ, तो हम कह देंगे कि 3 मिनट, 3 मिनट प्लस 20 सेकेंड का बिल कितना हुआ 8 रुपये, कितना हुआ 8 रुपये, यही आपका आंसर। तो हम कह देंगे 3 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की जो संख्या संख्या लड़कों लड़कों की जो संख्या लड़कियों की संख्या को दुगनी है, लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या का दुगनी है, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस पर चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या बताइए, यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या ही बताइए। मेरा यह क्वेश्चन करता कह रहा मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि बॉय और गर्ल्स है, ठीक गर्ल्स है ठीक, मतलब लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से दुगनी है पहले, तो अगर लड़कियों की संख्या यक्ष रहा होगा तो लड़कों की संख्या क्या होगा 2x होगा, लड़कियों की संख्या यक्ष रहा होगा तो लड़कों की संख्या क्या होगा 2x रहा होगा, ठीक 2x रहा होगा। रास्ते में 15 लड़के उतर जा रहे हैं, वो रहा थे रास्ते में 15 लड़के उतर जा रहे हैं, लड़के कितने उतर रहे हैं 15 लड़के कम हो गए, ठीक 15 लड़के कम हो गए, और रास्ते में जो है 10 लड़कियां क्या होगी चढ़ गई, चढ़ गई 10 लड़कियां चढ़ गई, तो ये बराबर हो जा रहे हैं या बराबर हो जा रहे हैं, हल कर दो क्या होगा 2x-15 बराबर x प्लस 10 हो जाएगा, x को इधर ले आओ तो 2x-x हो जाएगा और 10 15 इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 25, x बराबर 25, बताओ x गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स निकल गई, गर्ल्स कितनी है 25 है, तो बाय कितने होंगे भाई, बाय जब शुरू में कितने रहे होंगे तो दुगना है, गर्ल्स से दुगना है तो कितना होगा 50 रहा होगा, कितना है भाई 50, आपका आंसर कितना होगा 50, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा 25 25 मिनट में 150 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट में वो कितने पन्ने पढ़ेगी, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है रेखा 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 जो है, रेखा जो है 25 मिनट में कितने पन्ना पढ़ रही है, 25 मिनट में 15 पन्ना पढ़ रही है, तो 1 मिनट में कितना पन्ना पढ़ी होगी, तो 1 मिनट निकाल देंगे तो 15 बटे क्या हो जाएगा 25 काट देंगे, कितना हुआ भाई 3/5, 3/5 हुआ, या पूछा है 45 मिनट में, 45 मिनट में 1 मिनट में 3/5 पड़ रही है, तो 45 मिनट में कितनी पड़ी होगी निकाल दो 45 मिनट में, तो 3/5 बढ़ते क्या करेंगे 45 कर देंगे, ठीक 45 कर देंगे या काट देंगे, 9 9 9/5 45 बुरा हो जाएगा 9 3 27, कितना पन्ना पड़ेगी 27 पन्ना पड़ेगा, ठीक कितना पन्ना। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन कर रहा है सेटेलाइट सेटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए 13 रुपये बिल, बिल कितना 13 रुपये बिल है, और 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा, 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा, क्या कह रहा 5 मिनट और प्लस 40 सेकेंड का बिल कितना है 13 रुपये, 5 मिनट और 40 सेकेंड का बिल कितना है 13 रुपये, तो मिनट है तो सेकेंड में बदलने कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 प्लस 40 बराबर कितना होगा 13 का, तो यह हो जाएगा 340, 340 हो जाएगा, 340 का होगा सेकेंड हो जाएगा 340 सेकेंड, तो 1 सेकेंड निकाल लो 1 सेकेंड और 340 है 40 है 1 सेकेंड बराबर 13/3 क्या होगा 340 होगा, 1 सेकेंड बराबर 13/340 हो जाएगा, हमसे पूछा क्या है कि 4 मिनट 4 मिनट और प्लस 20 सेकेंड पूछा क्या है 4 मिनट प्लस 20 सेकेंड, 4 मिनट मतलब 6 6 24 240 और प्लस 20 तो कितना होगा 260 260 सेकेंड, 260 260 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में बोल रहा है, देखो 1 सेकेंड में कितना बोल रहा है 1 सेकेंड में 13/3
बटे 340 हो रहा है, तो एक सेकेंड में 13/340, देखो एक सेकेंड में 13/340 हो रहा है, तो हमका 260 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 260 सेकेंड में तो 13/340 × 260, ठीक। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 8 देंगे कितना बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 17 और यह हो जाएगा 13, यह हो जाएगा 169/17, भाग देंगे क्या 9.9 आएगा, आंसर क्या होगा 9.9। तो हम कहेंगे 4 4 मिनट, और देखो तो 4 मिनट 4 मिनट + 20 सेकेंड में कितना बिल दे रहा है, 9.9 रुपये, 9.9 रुपये।